नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं आपको आपके स्क्रीन पर कुछ चेहरे दिखा रहा हूं। आज बातचीत इनसे करूंगा। ये रीवा शहर का गौरव का दिन है। आज एक लड़के ने गोल्ड मेडल जीता है देश के लिए, रीवा का लड़का है। पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक स्लोगन दिखाऊंगा। ये स्कूल के बोर्ड में टंगा है। किसी विद्यालय की महानता या गरिमा का निर्धारण उसकी इमारतों या उपकरणों से नहीं होता, बल्कि कार्यरत अध्यापकों की विद्वता चरित्र का निर्धारण से होता है। इस वाक्य को चरितार्थ किया है इस स्कूल ने। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल है। पहले बात इनसे करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ। ये बताइए कि आपके स्कूल में किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, किस तरीके से खेल का एक प्रेरणा होती देते हैं आप लोग? विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी टीचर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सभी टीचर्स काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षा देते हैं। सब्जेक्ट वाइज सभी शिक्षक अच्छी मेहनत करते हैं और उसी का परिणाम है कि आज आप लोग हम लोगों के बीच में हैं। आज हम आपके बीच में हैं। अभी आपसे ढेर सारी बात करूंगा, पहले थोड़ा सा आपके खेल से बात कर लूं। आप खेल की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, खेल सिखाते हैं? जी बिल्कुल। क्या किया आपके लड़के ने, कौन सा कारनामा किया? अभी इन्होंने भूटान पे जाके गोल्ड मेडल जीता है 200 मीटर रेस में। इनका नाम तो आपने बताया, शुभम पांडे। कैसे आपने ट्रेनिंग दी इनको? सुबह 4 बजे से बुलाया जाता था ग्राउंड पे, और ये सुबह 4 बजे बुलाया जाता था, तो ये 3:30 बजे पहुंच जाते थे। सुबह 4 बजे बुलाते थे, 3:30 बजे पहुंच जाते थे। शायद यही मेहनत आज हम लोगों को मजबूर कर रही है कि हम लोग स्कूल में आए और शुभम से बात करें। किस तरीके से आपने तैयारियां की, किस तरीके से गोल्ड मेडल जीता? जैसे जैसे सर सिखाते गए, दौड़ाते गए सर, प्रैक्टिस सर बहुत कराते हैं हर चीज की, कैसे दौड़ना है, कैसे स्टार्टअप, कैसे एंड करना है, ये सब बताते गए और आज इस लेवल पे आ गए। जब आप दौड़ रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि हमें क्या टाइमिंग देनी है, किस तरीके से हमें दौड़ना है, क्या उस समय क्या दिमाग में चल रहा सर? दौड़ रहे थे तो सबसे पहले तो यही है कि इंडिया को सबसे आगे ले जाना है, अपना बेस्ट देना है, अपना पूरा 100% दिया था सर। क्या दिया आपने बेस्ट, क्या टाइमिंग थी आपकी? सर टाइमिंग थी 22.5 सेकंड की। और इंडियन रिकॉर्ड? इंडियन रिकॉर्ड है 21.8 सेकंड की। तो क्या ये माना जाए कि आपके दिमाग में ये है कि हम एक दिन ये रिकॉर्ड तोड़ भी सकते? बिल्कुल सर, बिल्कुल, पूरी कोशिश करूंगा सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की आपके स्कूल का बेटा बात कर रहा है, आपके लिए गौरव की बात है। अभी आपसे बातचीत और होगी, पहले इनके पिताजी से। आपके बेटे ने एक इतिहास रच दिया। जी सर। क्या कहेंगे सर? हमको लगता नहीं था, लेकिन ये चमत्कार तो हो गया। ये सब इनके गुरुजन का आशीर्वाद है। जैसे कि आजकल के पेरेंट्स कहते हैं बच्चों से कि तुम पढ़ो, खेलो नहीं, और खास तौर से क्रिकेट फुटबॉल को छोड़ के दौड़ना। जब आपका बेटा दौड़ रहा था तो क्या आपको लग रहा था कि ये समय बर्बाद कर रहा? हाँ सर, पहले तो हमको भी ये लग रहा था कि ये समय बर्बाद कर रहा है, इसको हम ये कहते थे कि भाई पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन सर ये इनके गुरुजी लोगों का इतना सहयोग था कि ये जो है तो बस खेल में जब सर फोन इनके कर देते थे तो ये चले जाते थे प्रैक्टिस करने। आज उसी के सर ये परिणाम है कि इनके गुरुजी को, ये इनके पिताजी को बिल्कुल लग रहा था कि ये बेकार काम कर रहा है, लेकिन आज इनकी वजह से आज आप हम लोग यहाँ मौजूद हैं। उनके पिताजी को काफी गर्व महसूस हो रहा, आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि शुभम पांडे ने 200 मीटर की रेस में भूटान में गोल्ड मेडल जीता। और बच्चों को शिक्षा देते समय हम लोग ये भी कहते हैं कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, और हमारे डायरेक्टर मिस्टर विपिन शुक्ला सर भी बच्चों को हमेशा एडवाइस दिया करते हैं कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, तो आप खेल के लिए भी 1 घंटे का टाइम कम से कम आप निकालिए। तो 1 घंटे का टाइम डायरेक्टर सर की तरफ से था कि आप निकाल करके और अपना खेल में दो, और बाकी मेरी एडवाइस रहा करते थे कि पढ़ाई भी में भी आप बिल्कुल उसी जिस प्रकार से खेल में आप ध्यान देते हो, मन लगा के खेलते हो, ठीक उसी प्रकार से आप पढ़ाई पे भी उसी प्रकार से ध्यान दीजिए। पढ़ाई और खेल में कोई अंतर नहीं है, जिस तरीके से आप पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से आप खेलें, इसका सीधा सा अर्थ है। मेहनत एक बराबर, लगन एक बराबर। लगन है आप में तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
मैं इनसे भी बात करूंगा, स्कूल के हेडमास्टर ने। हाँ, क्या आपके स्कूल का आज एक गौरव का दिन है, कैसा लग रहा? सर काफी हर्ष लग रहा है हम लोगों को, पूरा विद्यालय एकदम हर्षोल्लासित है। अब इसके पहले मध्य प्रदेश का रिजल्ट जो आया उसमें मध्य प्रदेश में सेकंड रैंक एक बच्ची लेकर आई, एंड आफ्टर दैट ये शुभम पांडे वहाँ भूटान में गोल्ड मेडल जीत के आया, तो हमारी स्कूल के लिए चार चांद लग गए। स्कूल के लिए चार चांद लग गए। शिक्षा की बात की जाए तो एक बेहतर परिणाम, खेल की बात की जाए तो एक बेहतर परिणाम। आगे अब क्या प्लानिंग? आगे सर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना है, ओलंपिक में जगह बनानी है अपनी। कब का अब आगे दुबई जाने का क्या है? अगस्त लास्ट वीक पे है। वहाँ कौन सी प्रतियोगिता? वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दुबई जाना है, उसकी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे दुबई में भी भारत का नाम ऊंचा करें, स्कूल का नाम ऊंचा करें। जिस तरीके से मैंने आज जो समय दिया है, अब हमको उस समय को सुधारना है। कोशिश मेरी ये होगी सबसे पहले भारत का नया रिकॉर्ड बनाना, उसके बाद वर्ल्ड कप की ओर नजर दौड़ाना। हम लगातार इस स्कूल पर, इस बच्चे पर नजर बनाकर रखेंगे और इनके जो भी दुबई में कारनामे होंगे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।